किस्से संकेता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किस्से कहानी। किस्से कहानी के आज के रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन का एक दिलचस्प किस्सा। अभिषेक बच्चन का एक ऐसा किस्सा जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अभिषेक की अफेयर्स की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन इसी लिस्ट में जाह्नवी कपूर नाम की एक मॉडल का नाम सामने आता है। जाह्नवी कपूर आज की नहीं बल्कि आज से कुछ साल पहले एक ऐसी ही मॉडल हुआ करती थी जो कि छोटी मोटी मॉडलिंग में नजर आई, लेकिन उसके बाद उनका कोई ज्यादा करियर बनता हुआ नहीं नजर आया। लेकिन 2007 में जब ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी, उसी दौरान जाह्नवी कपूर ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था। पब्लिसिटी स्टंट में कैसे अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार फंस गया था और वो स्टंट क्या था, देखिए खास रिपोर्ट। अभिषेक बच्चन से शादी करने के लिए एक मॉडल ने उठा लिया था एक खतरनाक कदम। जी हाँ, मॉडल ने एक खतरनाक कदम उठाया और अपनी जान लेने की सोची थी। इस बीच में काफी हंगामा भी खड़ा हुआ। आखिर इसके पीछे क्या है, वो किस्सा क्या है, वो कहानी, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। और सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। बताते चले कि साल 2000 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी। इस पहली मुलाकात के दौरान ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बनने लगे और उसके बाद यही दोस्ती उनकी प्यार में बदल गई। इस दौरान हालांकि सलमान खान के साथ वो रिलेशनशिप में थी और करिश्मा कपूर के साथ अभिषेक की सगाई हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान ये दोनों फिल्म भी कर रहे थे। ढाई अक्षर प्रेम की शूटिंग के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई तो फिल्म कुछ ना कहो में दोनों ने साथ में काम भी किया। इसके अलावा साल 2002 में जब करिश्मा के साथ सगाई हुई तो दोनों की माओ के बीच में चल रही अनबन के बीच में साल 2003 में इन दोनों की सगाई भी टूट गई। वहीं ऐश्वर्या के व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां थी। उस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि ऐश्वर्या और सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि सलमान खान ने ऐश्वर्या के साथ बर्ताव सही नहीं किया। फिर उसके बाद विवेक ओबेरॉय के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। नतीजन उनका ये रिलेशन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और उसके बाद उनका नाम जोड़ा गया अभिषेक बच्चन के साथ। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने भी तीन एक्ट्रेस को डेट किया था जिसमें करिश्मा कपूर, इसके अलावा रानी मुखर्जी और दीपा नीता शर्मा का नाम भी सामने आता है। वेल, अगर बात करें ऐश्वर्या की शादी की तो इस शादी में प्यार की शुरुआत कजरारे गाने के साथ हुई। दरअसल अभिषेक ऐश्वर्या को तभी से काफ़ी पसंद करने लगे थे जब वो कजरारे गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच में प्यार की चिंगारी जली तो साल 2006 में दोनों ने उमराव जान की शूटिंग के दौरान प्रपोज करने का सोचा। साल 2006 में अभिषेक और ऐश्वर्या को काफ़ी वक्त तक साथ में गुजारने का मौका मिला। तब उस दौरान वो दोनों उमराव जान के अलावा गुरु और धूम टू में काम कर रहे थे। ऐसे में ऐश्वर्या से प्यार कर बैठे अभिषेक ने आखिरकार शादी के लिए प्रपोज कर डाला। मौका था टोरंटो में चल रहे गुरु का प्रीमियर शो। न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था। अभिषेक ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था, मैं अपने होटल के कमरे में बालकनी में खड़े होकर सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर मैं एक दिन उनसे शादी कर पाऊं। उन्होंने बताया कि ये वाकया सालों बाद जब गुरु के प्रीमियर के दौरान दोनों वहीं थे और जब प्रपोजल किया तो उनका वो सपना पूरा हुआ क्योंकि ऐश्वर्या ने उनकी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। वेल, वहीं बात करें ऐश्वर्या की तो उनका कहना था कि अभिषेक ने गुरु के सेट से ली हुई किसी चीज़ से उन्हें प्रपोज किया था, ना कि हीरो की अंगूठी से। ये देखने के बाद ऐश्वर्या का दिल पिघल गया कि वो कितना सच्चा इंसान है और बस उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और शादी के लिए उन दोनों ने हाँ कर दी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक और ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। साल 2007 14 जनवरी को इन्होंने न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद मुंबई में सगाई की। इसके बाद सबके सामने इन्होंने शादी का जो प्रस्ताव था वो भी रखा, ऐलान किया कि ये जल्द ही शादी करने वाले हैं।
लेकिन इसी बीच भी इनके रिश्तों में एक बड़ी अड़चन आ गई। दरअसल ये अड़चन थी जानवी कपूर। जी हाँ, बताते चले कि उस वक्त शादी में बवाल काफी मचा था, जब एक लड़की जानवी कपूर, जो कि उस वक्त छोटी मोटी मॉडल हुआ करती थी, पूरी शादी में तगड़ा बवाल मचाया था। जानवी कपूर नाम की लड़की ने बहुत तमाशा मचाया और अभिषेक के साथ अफेयर की बात की थी। अभिषेक के साथ अफेयर की बात करने वाली जानवी कपूर का ये दावा था कि अभिषेक ने उनसे शादी करने का वादा किया था। इसी बात पर जानवी ने अपनी कलाई भी काट ली थी। हालांकि कुछ वक्त बाद जब ये मामला शांत हुआ तो फिर पता चला कि ये तमाम चीज़ें केवल पब्लिसिटी स्टंट थी। इसके अलावा ऐश की एक विवादास्पद किस ने भी बवाल मचा दिया था। दरअसल धूम टू में ऐश और ऋतिक के बीच में काफ़ी हॉट सीन हुए थे, जिसके बाद बच्चन परिवार ने आपत्ति जाहिर की थी। यही वजह रही कि दोनों की शादी होते होते रुकने को चली थी। हालांकि दोनों ने इन तमाम मुश्किलों का सामना किया और 20 अप्रैल 2007 को प्रतीक्षा में इन दोनों की शादी हुई, जिसमें बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में जो तीन लोग सबसे खास थे वो नहीं आए थे। इसमें रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन का नाम सामने आता है। दरअसल रानी मुखर्जी के साथ उनका रिश्ता था, करिश्मा के साथ उनकी सगाई टूट चुकी थी, इस वजह से दोनों को न्योता नहीं दिया गया। तो वहीं कहा यह जाता है कि ऋतिक रोशन के साथ क्योंकि ऐश्वर्या के किसिंग सीन हुए थे और बच्चन परिवार ऋतिक रोशन से काफ़ी खफा था, यही वजह रही कि ऋतिक रोशन को भी न्योता नहीं दिया गया। हालांकि बताते चले कि ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन के बचपन के दोस्त रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस वाक्य की वजह से ऋतिक को शादी में नहीं बुलाया गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में अभिषेक बच्चन की शादी के दौरान किस तरीके से बखेड़ा खड़ा किया गया था और ये इतना ज्यादा चर्चाओं में आया कि इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो सालों तक रही। हालांकि जानवी कपूर ने जो दावे किए गए थे अभिषेक बच्चन को लेकर के, वो दावे झूठे साबित हुए। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।